बरेली के कर्मचारी नगर में स्थित मोन्ट्रा इलेक्ट्रिकल शोरूम हिमांशु एंड ब्रदर्स से आज सुपर ऑटोज के साथ एक रोड शो निकाला गया। इस दौरान रोड शो में करीब 15 से ज्यादा ऑटो शामिल रहे। वहीं मैनेजर अनुराग सक्सेना ने बताया कि कंपनी को साल 2023 में बेस्ट डिजाइनिंग के लिए रेड डॉट अवार्ड भी मिल चुका है। बाकी मैनेजर द्वारा ऑटो की क्या क्या खूबियां बताई गई, देखिए आगे रिपोर्ट में। नाम और पद जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और मैं जनरल मैनेजर के पद पे हूँ। सर, ये जो ऑटोज हैं आपके, सुपर ऑटो कह रहे हैं आप, इनकी क्या क्या खूबियां हैं ये हम जानना चाहेंगे आपसे। हिमांशु ब्रदर्स हमने खोला है, इसके में हमारे पास ऑटो की भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। आजकल आपको पता है कि मैक्सिम गाड़ियाँ जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जो काफ़ी प्रचलित हो रही हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने ऑटो उतारे हैं, लेकिन हमने अपना मोन्ट्रा के नाम से सुपर ऑटो उतारा है, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिसमें 5S के नाम से चीज़ें आती हैं। जैसे स्पेस का है, आप देखिए गाड़ी में स्पेस कितना बड़ा है जी। साथ में हम लोग पूरा सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, साथ में सीट दे रखी है ड्राइवर की, जो कि आगे पीछे हो सकती है, जैसे कार में हम लोग आगे पीछे इसको कर सकते हैं। इसके साथ बैक में ये वाली जो सीट दी हुई है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि इसमें लगेज वगैरह भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। दूसरा ये अपना मेटल बॉडी दे रखा है, प्योर मेटल बॉडी का सारा, जो कि इसका एक सेफ्टी फीचर भी है और सामने डिज़ाइन भी इसका बहुत खूबसूरत है। साथ में हमने इसके साथ में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दे रखे हैं। सेफ्टी फीचर्स में आएंगे तो हम लोग ये फाइव मोड हमारे इसमें चलता है। फाइव मोड में अगर हम पार्किंग मोड में हम गाड़ी चलाते हैं तो ये 5 की स्पीड पे चलता है, ठीक है। और इसमें एवरेज हमें इसके बाद ये न्यूट्रल मोड है, फिर इको मोड है। इको मोड में हमारे पास सबसे ज़्यादा हमें एवरेज मिलता है। जैसे ड्राइव मोड में जाते हैं हम लोग, ड्राइव मोड में भी हम लगभग 50 किलोमीटर के रेंज में हम लोग गाड़ी चला सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 के लगभग है, तो ये पावर मोड में हम लोग चलाते हैं। इसका एक बार की चार्जिंग में जो है 160 से 170 किलोमीटर लगभग ये चलता है, और एक बार की चार्जिंग 3.5 से 4 घंटे में ये कम्प्लीट करते हैं। इसके साथ हम लोग का एक सेफ्टी फीचर रखा है, इसमें हमने एक सेंसर लगा रखा है। सेंसर में क्या रहता है कि जैसे कभी अचानक हम लोग रेस पे हाथ दे देते हैं, गाड़ी आगे भाग जाती है, लेकिन जब तक हम इसको 2 बार इसको प्रेस नहीं करेंगे और एक बार ऊपर नहीं उठाएंगे, सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा, जो कि इसका बहुत बढ़िया फीचर है। साथ में हम लोग इसमें चार्जर और बैटरी चार्जर की और गारंटी प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, लोगों का चार्जर ख़राब हो जाते हैं तो लोग गाड़ी खड़ी हो जाती है और वो लोग वारंटी देते हैं और अदर समथिंग होता है, 15 दिन लगा देते हैं गाड़ी में। और हम लोग जो है अगर जैसे चार्जर में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इमीडिएट उसको चेंज करके देते हैं। तो ये हम लोग की गाड़ी के फीचर है। और इसमें अपना लिथियम का बैटरी लगा हुआ है, सिंगल बैटरी, जो कि इसके अंदर कवर्ड है। साथ में बैकपैक दिखी दे रखी है खूबसूरत सी। एक चीज फीचर और मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग बाकी गाड़ियाँ देखी होंगी, उसमें ये सारी चीज़ें ओपन रहती हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें कवर्ड है अंदर, जिससे कि कोई भी चीज़ चोरी होने के या किसी को भी डिस्टर्बेंस करने का कोई भी वो नहीं रहता है। जैसा कि आपने भी जानकारी दी, ड्राइवरों का कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको ऑटो देखकर? ड्राइवरों का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, और सबसे बड़ी ये आज के टाइम में ये ड्राइवर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, और ड्राइवर इसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये पहली पसंद बनती जा रही है, क्योंकि गाड़ी में इतने सारे फीचर्स होने के कारण ये ड्राइवरों की पहली पसंद बनती जा रही है गाड़ी। आपने बताया कि कंपनी को रेड डॉट अवार्ड भी मिला है, कब मिला था, क्यों मिलता है ये अवार्ड? ये रेड डॉट अवार्ड ये है जो कंपनी को बेस्ट डिजाइनिंग के लिए मिला है 2023 में। क्यों मिलता है ये अवार्ड, क्या का कारण होता है? कंपनी के जो भी बेस्ट डिजाइनिंग होती है, जिस तरीके से जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से हम लोग गाड़ी का स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं या इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, तो इस तरीके की डिजाइनिंग हम लोगों ने किया था, तो इसके लिए हमें रेड डॉट अवार्ड स्पेशली मिला था 2023 में। क्या आपका ये ऑटो आपने कब लिया था, कैसा लग रहा है ये ऑटो लेके, चलने में कैसा है, और गारंटी वगैरह मिली है आपको, कितना जमा किया, कितने में पड़ा ये ऑटो आपको?
हमने 60,000 जमा किया और करीब 5-5.5 लाख का पड़ेगा। तो आपको लगभग 10 से 12 दिन हो गए लिए हुए इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलने में कैसा है, क्या लग रहा है? और ऑटो जो चल रहे हैं उनकी बहुत अच्छी